हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी आप लोग की दुआ से अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आज का ब्लॉग जो है सुबह सुबह से स्टार्ट हो रहा है, तो इस टाइम पर जो है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आज हमारे गांव में जो है साधु बाबा आए हुए हैं। तो वहाँ पे जो है मम्मी और बगल की आंटी उंटी लोग बैठी थी, तो वही जो है अपना बात बताने लगे कि वह अपना घर कब से छोड़े। तो दोस्तों, वह अपना घर जो है 2002 में छोड़े थे और आप लोग जान रहे कि इस टाइम जो है 2024 चल रहा है, तो कितना साल हो गया है उन्हें अपना घर छोड़े हुए। तो मम्मी उम्मी से वही सब बातें बता रहे थे और उन्हें जो है फिर से अपने घर जाना है, लेकिन दोस्तों वह किसी काम से जाएंगे और जब उनका काम पूरा हो जाएगा तो फिर वह जो है पूरा साधु बन जाएंगे। तो बस हम लोग उनकी बातें सुन रहे थे और उसके बाद साधु बाबा चले जाते हैं तो हम लोग भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो है हमारा भोजन बनना शुरू हो गया है और इस टाइम बजे हैं 6। तो भाभी जो है चूल्हे में आग वग जला दी है और दूसरी साइड में जो है फटाफट सब्जी कट कर लेती हूँ। तो आज भोजन में बनेगा सब्जी चावल दाल रोटी और सब्जी जो है आलू और परवल की भजिया बनेगी और साथ में जो है टमाटर भी। तो बस हम जो है अपना काम जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि 8 बजे पापा को काम पे भी जाना रहता है, तो जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी जो है हमारा खाना भी बन जाएगा। और इधर देख सकते हैं चूल्हे में आग हमारा बहुत ही अच्छे से जल रहा है क्योंकि अब गर्मी का मौसम आ गया, आग जलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। कौन दिया है दादी? मुझको भी दो, थोड़ा सा दोगी? थैंक यू, वेलकम। नहीं बोलोगे? राधे राधे बोलो पहले। जय श्री कृष्णा। बेचारे घर में होते और ये दूसरी साइड जो है बाबू भी सोकर उठ गया है, तो उसे जो है सोकर उठता है तब कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो उधर वो अपना बर्फी खा रहा है और दूसरी साइड अमृता भी जो है अपने कामों में लग गई है, जो उसका डेली का काम रहता है गैया को चारा पानी डालना, तो जो है चारा पानी डाल चुकी है। और ये बछड़ा जो है अपनी माँ के अवधि पर बांधा गया था, तो उसे भी हटा देती है और इन सबको जो है खबर उबर देती है, चोकर खुद्दी जो भी होता है। और उसके बाद दोस्तों अंदर का जो भी काम था सब्जी वब्जी कट कर ली थी और आटा भी गूँथ ली थी और फिर मैं आ जाती सीधे बाहर। तो यहाँ मैं जो है गोबर उठा रही हूँ क्योंकि अमृता के हाथों में थोड़ा बहुत दर्द था, तो बोल रही थी गोबर तुम उठा दो। इधर मैं जो है गोबर उठा रही हूँ और बाबू को आप लोग देख सकते हैं, ये जो है अपने बर्थडे वाला कैप लेकर घूम रहा है, मन कर रहा है लगा रहा है और मन कर रहा है ऐसे ही घूम रहा है। और दूसरी साइड जो है भाभी को पानी चाहिए था, तो अमृता उनको जो है पानी भर के दे देती है। और इधर मैं जो है सारा गोबर इकट्ठा कर ली और दूसरी साइड आप लोग देख सकते हैं तोता भी हमारा जो है मगन होकर अपने पिंजड़े में खेल रहा है। और इस टाइम तो दोस्तों गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग इसे बाहर ज़्यादा नहीं मतलब रखते हैं, अंदर ही रखते हैं। जितना छाँव में रहेगा उतना ही आराम रहेगा और डेली जो है उसे भी नहलाते हैं क्योंकि दोस्तों हम लोग इंसान हैं, हम लोग को इतना गर्मी होता है होगा तो सोचिए वह तो जानवर, उसे भी तो गर्मी होता होगा। तो बस उधर अपना वह मस्ती कर रहा है और दूसरी साइड में जो है गोबर सारा इकट्ठा कर ली हूँ और गमले में जो है बारी बारी से बोझ रहे अमृता जो है फेंक रही पीछे साइड। और मम्मी हम लोग से कह रही कि तुम लोग अब पीछे साइड मत फेंको, सीधे खेत लेकर जाओ क्योंकि अब खेतों में जो है धान की रुपाई उपाई होगी तो खाद के काम आएगा ये गोबर। लेकिन दोस्तों हम लोग नहीं लेकर जा पा रहे हैं, सुबह सुबह जो है तेज़ी से धूप निकल जाती है, वैसे भी घमौरियाँ हुई है और भी मतलब घमौरियाँ हो जाएंगी जिसकी वजह से नहीं लेकर जा रहे, मम्मी हम लोग को बोल रही है। लेकिन दोस्तों सोच रहे हैं जैसे ही टाइम मिलेगा सुबह या शाम किसी टाइम अब हम लोग जो है खेत लेकर जाएंगे, यहाँ पर नहीं अब रखेंगे क्योंकि अब कंडा नहीं बनाना है, मम्मी बोल रही थी। उसके बाद इधर देख सकते हैं खाना पीना हमारा बन चुका है, जो भी थोड़ा बहुत बर्तन था भाभी लेकर आ जाते हैं धुलने के लिए। और दोस्तों हमारे आंगन में जो है थोड़ा मतलब अंधेरा रहता है इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाई हूँ। और उसके बाद मैं भी जो है खा पी ली थी और सीधे लग गई हूँ अपने दूसरे कामों में, यानी घर की लिपाई करने के लिए। काफ़ी दिन हो गया था घर की लिपाई, इसलिए जो है आज मैंने शुरू भी कर दी। और
और इस बार दोस्तों एक आध हफ्ते से ज़्यादा हो गया था लिखवाई किए हुए और धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उड़ रहे थे। कई दिनों से सोच रही थी करूँगी लेकिन एक के बाद एक नया काम शुरू हो जाता था जिसकी वजह से ये काम नहीं हो पाता था। तो बस आज मैंने शुरुआत कर दिया और आप लोग जानते हैं जिस काम को मैं शुरू करती हूँ उसे पूरा करके ही रहती हूँ। और दोस्तों अब तो जो है लिपाई करने में थोड़ा अच्छा भी लगता है क्योंकि गैया का गोबर जो है पीला पीला रहता है और ज़मीन भी जो है बहुत ही अच्छा दिखता है। तो अंदर रूम का जो है लिपाई कर चुकी हूँ और उसके बाद जो है गलीरे से शुरुआत करती हूँ और अंदर किचन का दोस्तों लिपाई नहीं करती हूँ क्योंकि किचन की लिपाई ज़्यादातर मैं जो है पीली मिट्टी से करती हूँ। तो उसका भी मुझे जो है डीप क्लीनिंग करना है। जिस दिन भी टाइम मिलेगा करूँगी, आप लोग को आगे वीडियो में दिखाऊँगी। तो आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो में डेली बना कर ही रहिए। और जो लोग भी चैनल पर नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों आप लोग जानते हैं हम लोग जो है अपने घर की लिपाई पुताई क्यों करते हैं। एक तो हमारा घर जो है सुंदर दिखे इसलिए करते हैं और ऊपर से गर्मी इतना ज़्यादा रहती है ना कि घर की लिपाई पुताई ना करो तो गर्मी में ही मतलब आप झेलते रहेंगे और लिपाई पुताई हो जाती है तो घर जो है थोड़ा ठंडा दिखता है और पंखा भी चलता है तो मतलब राहत मिलती है। और कुछ लोग का घर जो है टाइल्स का होता है तो वह लोग जो अपने घर को धूल देते हैं तब जो है उनका घर मतलब अच्छा दिखता है और ठंडक रहता है। लेकिन हमारा तो दोस्तों कच्चा मकान है तो हम तो लिपाई पुताई ही ना करेंगे। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं हमारी लिपाई भी लगभग हो चुकी है। थोड़ा बहुत और मुझे करना है तो उसे भी मैं फटाफट कर लेती हूँ। और इधर मैं लिपाई कर रही थी तब तक जो है मम्मी दूसरा काम शुरू कर दी, यानी आप लोग अमृता को देख सकते हैं वह जो है कंडे ढो रही है। मौसम दोस्तों इन दिनों में जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब चल रहा है, कभी जो है धूप हो रहा है और कभी जो है छाँव हो जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो जाएगी। तो इसलिए मम्मी उस काम को भी शुरू कर दी। तो देख सकते हैं मेरा जो है घर की लिपाई हो चुका है। मैं तो बस इतना ही रहने के लिए बोल रही थी लेकिन दीदी बोली कि नीचे का भी कर दो जिससे जो है देखने में भी अच्छा लगे। और सच में दोस्तों जब पूरा मतलब हो जाता है लिपाई तो ऐसा लगता है कि कंप्लीट हो गया, वरना इसके बिना जो है अधूरा लगता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इधर जो है ये लोग जो है पीछे साइड कंडे ढो रहे हैं जहाँ पे हमारे कंडे बनते हैं आप लोग जानते हैं। तो ये कंडा हमारा जो है पूरा सूख गया था तो मम्मी कई दिनों से हम लोग को कह रही थी ढो दो कभी भी बारिश हो जाएगी। कल रात में दोस्तों थोड़ा बहुत बारिश हुआ था और आज भी मौसम वैसा ही बना है। तो मम्मी जो है आ गई हैं करने के लिए। हम लोग जो है मना कर रहे थे, कह रहे थे संडे के दिन जो है हम लोग आराम से करेंगे तो, लेकिन मम्मी जो है नहीं मानी। मजबूरी में दोस्तों हम लोग को भी आना पड़ा क्योंकि मम्मी अकेले ही कंडे ढो रही थी। तो बस दोनों बहनें इधर आ गई थी ढोने के लिए और साथ में जो है गांव के कुछ बच्चे भी हैं आप लोग देख सकते हैं। जब भी हम लोग कुछ काम करते हैं तो ये सब बच्चे भी आ जाते हैं हेल्प करवाने के लिए। और मैं जो है अभी घर के काम ही कर रही थी तो मैंने सोचा चलिए तब तक तुम लोग चलो अभी, फिर मैं भी आ जाती हूँ। दोस्तों लिपाई पुताई हो चुकी है और उसके बाद अंदर भाभी को पानी चाहिए था नहाने वाने के लिए तो उनको पानी देकर और सीधा फिर मैं भी आ जाती हूँ कंडे ढोने के लिए। और इस टाइम जो है काफ़ी तेज़ धूप भी है। पहले तो लग रहा था कि मतलब बारिश हो जाएगी लेकिन दोस्तों बारिश नहीं हुआ और अमृता प्रीति यहाँ पे जो है अकेले ढो रही थी और छत पे जो है कंडे चढ़ाना भी था, थकान बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और ऊपर से इतना ज़्यादा गर्मी है। तो बस मैं भी आ जाती हूँ ढोने के लिए और हम तीनों लोग मिलकर कंडे ढोएंगे तो जल्दी से हमारा कंडा भी ढोआ जाएगा। और दोस्तों आज मुझे जो है कॉलेज भी जाना है किसी काम से तो इसलिए मैं सोचे घर के जितने भी काम हैं जल्दी से निपट जाएँ फिर जो है मैं अपना जाऊँगी। दोस्तों यहाँ पे जो है कंडे हम लोग ढो रहे थे, लग रहा था कि ज़्यादा समय लगेगा लेकिन हम तीनों बहनें मिलकर ढोए तो आधे एक घंटे में जो है हमारा सारा कंडा भी ढोआ गया आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद मैं चली जाती हूँ कॉलेज और फिर मिलती हूँ आप लोग से 4 बजे। तो देख सकते हैं मैं कॉलेज से आ चुकी हूँ और इधर हमारा तोता जो है अपना मस्ती कर रहा है आप लोग देख सकते हैं। जब भी कोई इसके पास आता है तो वह जो है दूर ही भागता है। और दूसरी साइड जो है मम्मी गैया लगा रही हैं क्योंकि इनका डेली का काम रहता है गैया लगाना और शाम के 4 बजे ही हमारी गैया लगती है। Oh, oh, oh.
और वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।